देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। आग जलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2-3% केवट और राजभर का वोट है। मेरी बातों को समझिएगा, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो मेरी चीजों को समझ रहे होंगे। 2% और 3% राजभर और केवट का वोट है, लेकिन आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण देने के लिए तैयार खड़ी हैं। है खड़ी कि नहीं खड़ी है? और उत्तर प्रदेश में ही बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार कायस्थ जो अपर कास्ट सवर समाज है, इनकी आबादी 22% है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, फलाने विधायक, फलाने सांसद और फलाने मंत्री का कुर्सी रखवा रहे हैं, उठवा रहे हैं, उनका टेंट लगवा रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, शेर जंगल में राजा अपनी ताकत से होता, और उसी के बाद उनकी सांसदी खत्म हो गई। देवरिया में एक ब्राह्मण को पेशाब पिलाया गया, हो सकता है जानकारी हो आप लोगों को, और जिनको ना हो जानकारी आज ले लें। देवरिया में एक ब्राह्मण को पेशाब पिलाया गया, उसका जनेऊ तोड़ा गया। पूर्वांचल में सौरणों की संख्या काफी अच्छी है, कोई नहीं जा रहा था वहां पर। हमें जानकारी हुई, मैंने सीएम सिंह से कहा, सीएम जी तैयारी करिए, कल सुबह निकलते हैं देवरिया के लिए। हमने सोशल मीडिया पर सूचना डाली कि मैं कल आ रहा हूं, यह अपेक्षा नहीं थी कि मेरे साथ लोग आएंगे तभी मैं जाऊंगा। मेरे भाई को मारा गया है, उसे पेशाब पिलाया गया, उसका जनेऊ तोड़ा गया है, और मैं काफिले का इंतजार करूं तो मेरे लिए शर्म की बात है। हम कहे कि हम अकेले जाएंगे और घर से निकले और गए वहां पर, एसपी से मिले, उन लोगों के ऊपर गुंडा है, गैंगस्टर सब कुछ लगवाए और जेल के अंदर करवाए उनको। एक 17 साल की लड़की थी काजल सिंह, गोरखपुर देवरिया का ही मामला था, पिता की कोई लड़ाई आपस में विवाद था, वही चल रहा था, उस लड़की को गोली मार दिया गया। हमने तुरंत अपनी टीम सौर आर्मी को, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष प्रभाधर दुबे और पूर्वांचल के प्रभारी भी हैं, उनको मैंने तुरंत भेजा कि आप तत्काल जाइए काजल सिंह के यहाँ, देखिए कि समस्या क्या है, अगर चीजें वहां से ना निपट पाए तो बताइए, मैं आने को तैयार हूं यहां से। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं देख लूंगा। इतना प्रेशर बनाया गया प्रशासन के ऊपर कि तीसरे चौथे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को काजल सिंह के हत्यारों का इनकाउंटर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस को काजल सिंह के हत्यारों का इनकाउंटर करना पड़ा। यही आपके मासी बहराइच राजा रेहुआ की घटना है, एक 17 साल की लड़की थी क्षत्रिय समाज की, रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मामला हो सकता है सबके संज्ञान में हो, क्योंकि इसी मामले के बाद हमारे ऊपर फर्जी SC ST एक्ट का मुकदमा लगा था। ये हो सकता है मामला संज्ञान में हो, उस क्षत्रिय समाज की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। हमने कहा कि हम पूरे देश, पूरे दुनिया, पूरे जवार का मामला उठाते हैं, और अपने बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हमारे जिले में हो जाए तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। हम तुरंत वहां पर सीएम जी को फोन किए हैं। जितने भी देश आज आगे बढ़े हुए हैं उन देशों में आरक्षण नहीं है। आप एक बात बताइए कि कोई लड़का योग्य है लेकिन वह बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार है, इसलिए उसका नंबर 89 होगा तब निकाल दिया जाएगा, और कोई दलित का लड़का है तो 40 में सेलेक्ट हो जाएगा। ये सरासर अन्याय है, ये मानवता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, और आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सर्वेश भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में एक पार्टी के नेता ने कहा कि क्षत्रिय महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर उनसे काम करवाइए, उनको भी आपने जमकर लताड़ा था। उसके उनका नाम था बिसाहू लाल, और बिसाहू लाल के बारे में हमने भी कहा था कि कहीं बिसाहू लाल मिले उनको भी बाहर करो और वहीं पकड़ मारो उनको। उनकी औकात कैसे हो गई कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं को ये चिन्हित टारगेट करेंगे कि क्षत्रिय समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकलवाकर मारेंगे? अरे जिन महिलाओं को, जिन छत्राड़ियों को मुगल नहीं छू पाए, तो बिसाहू लाल जैसे दो कौड़ी के नेता की क्या औकात है कि उनको घर से निकलवाएगा?
तो इतने कमजोर और कायर हम नहीं है कि बिसाहू लाल जैसे लोग आएंगे और छू लेंगे और हम बैठे रहेंगे। सर्वेश जी, बताया जाता है आरक्षण जो है 10 साल के लिए हुआ था, ये धीरे धीरे किस तरीके से 50 साल 70 साल बढ़ता जा रहा है, कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? ये आरक्षण की व्यवस्था जो बढ़ रही है इसके लिए तथाकथित देशभक्त लोग जिम्मेदार हैं। एक तरफ देशभक्त होने का ढोंग भी करते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण रूपी जहर देकर के देश को खोखला भी कर रहे हैं। तो नेताओं को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह अगर रिजर्वेशन करोगे तो सेना में भी रिजर्वेशन कर दो। क्या पंडित जी ठाकुर साहब बनिया भूमिहार के लड़के वहां सेना में लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हैं? आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल गलत है और ये खत्म होनी चाहिए।